उस पर चलते हैं। हेलो 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 ऐ बैठ, बोर बोर लतिया देंगे। हेलो हेलो सर, आते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। केमिस्ट्री शब्द की जो खोज है ना, ये केमी नाम के मिट्टी से हुई है। किससे हुई है सर? केमिस्ट्री शब्द की खोज किससे हुई? केमी नाम की मिट्टी से हुई है। किससे हुई है सर? केमिस्ट्री शब्द की खोज केमी नाम के मिट्टी से हुई है। किससे हुई है? केमी मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। मिस्र में एक ऐसी मिट्टी पाई गई जिसमें बहुत सारे गुण थे। बहुत सारे गुण इन द सेंस ऑफ कि जकड़ने का गुण, कहीं पर लगा दो तो पकड़ने का गुण, किसी दो चीजों को जोड़ना हो तो जोड़ने का गुण, जकड़ने पकड़ने और जोड़ने, सभी ये गुण इसमें पाए जाते थे। तो इसी का अध्ययन शुरू हुआ, और जब ये शुरू हुआ तो इसका पहला अध्ययन किया था लेबोजियर ने। इसका पहला अध्ययन किया था लेबोजियर ने। इसका पहला अध्ययन किसने किया था? लेबोजियर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब लेबोजियर के साथ मामला यह था कि हम लोग ये पहले नहीं पढ़ाते थे, लेकिन ग्रुप डी ने यह भी पूछ दिया कि बताओ फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लेबोजियर। क्योंकि इन्होंने ही पहला खोज किया बहुत सारी चीजें की, तो इसको लेबोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। कहेगा बताओ केमिस्ट्री की खोज कहां हुई? कहेंगे मिस्र में हुई। केमिस्ट्री की खोज कहां हुई? मिस्र में हुई। और कहेगा बताओ कि इसके पापा कौन थे? लेबोजियर। कहेगा किस मिट्टी से हुई? किस मिट्टी से? एक लेवाइसिए नाम का एक वैज्ञानिक था। लेवाइसिए और लेबोजियर में बच्चा बड़ा कंफ्यूज कर जाता है। लेवाइसिए और लेबोजियर, लेवाइसिए और लेबोजियर में बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। लेवाइसिए ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था। कि कोई कुछ बोल रहा है क्या? कौन बोल रहा है? बोलो। हम परमाणु संरक्षण का सिद्धांत बोले हैं क्या? क्या बोले हैं? नहीं लिखल है। क्या लिखल है? की लिखल है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है कि नहीं लिखल है? अरे एक मिनट यार रुक, किताब हमरे न है रे, तोहर है, तू लिखा है तो को किया कह रहे हैं? ऐसा क्या बोल दिए हम? हम गलती बोल ही नहीं सकते, असंभव। ये चोट्टा तोरा नहीं दिख रहा है कि लेबोजियर ने 18वीं शताब्दी में आधुनिक रसायन शास्त्र विज्ञान के जनक थे? यहां तोरा नहीं दिख रहा है? किधर गया? इधर होगा। लेवाइसिए ने द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत खोजा, ये बोलेगा? किताब में उल्टा है, देखें। अच्छा दोनों जगह सेम लिखा गया है। अच्छा उसको हम ठीक करवा देंगे। हाँ ये बात बोलो ना, हमको भी लगा इसमें तो ठीक है, ये कोई काबिल बना होगा ठीक करवा दिया होगा। देखो मामला ये है, ये दोनों नाम में अब सोचो लिखने में गलती हो गया, इसीलिए हम ये दोनों को अलग अलग बताते हैं। लेवाइसिए और लेबोजियर अलग अलग है। लेवाइसिए की अगर हम बात करें सर,
इसको द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया था इसने। और ये फादर ऑफ केमिस्ट्री था। फादर ऑफ क्या था? कहते हैं रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थ की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। आपस में रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक रसायन शास्त्री, इसको हाईलाइट करना, एंटोइन, पहला चैप्टर है ये, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। एंटोइन लेबोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुई थी। मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी? केमी से हुई। केमी का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? काला। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, इसको ठीक कर लेना, यहां ठीक है लिखा है, लेवाइसिए ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत लेवाइसिए ने दिया था। रसायन विज्ञान का जन्म कहां हुआ? मिस में। अध्ययन में सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। देखो रसायन शास्त्र को सर तीन भागों में बांटा गया है। हम लोग भी देखिएगा, अगर आप प्लस टू किए होंगे तो तीन गो मास्टर से लोग अलग अलग पढ़ता है। अगर आप कहीं छोटे शहरों में पढ़े होंगे तो वहां पर एक गो मास्टर सब चीज पढ़ा देता है, या दो गो मास्टर का सहारा लेना पड़ता है। तीन गो यहां अगर रहिएगा तो तीन सब्जेक्ट के तीन टीचर मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अलग, ऑर्गेनिक के अलग और इनऑर्गेनिक के अलग। यहां सर अगर हम फिजिकल की बात करें, ऑर्गेनिक की बात करें और इनऑर्गेनिक, तो सर फिजिकल केमिस्ट्री ये हुआ भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बनिक रसायन कह सकते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अकार्बनिक रसायन, ये पता है ना? तो सर भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन मतलब जिसमें कार्बन हो कि नहीं हो, जैसे H2O, इसमें कार्बन है? इसके रसायन के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये अकार्बनिक होगा, कार्बनिक होगा? कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन होगा उसे कार्बनिक रसायन कहेंगे, सही है ना? अब आ जाइए इधर, भौतिक रसायन क्या कहते हैं सर? जब ये भौतिकी की बात करें ना, जब ये सर भौतिकी की बात करें तो आप बात कीजिएगा संरचना की। जब भौतिकी की बात करें तो आप बात कीजिए किसकी? संरचना। जहां पर भी संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम भौतिक रसायन कहते हैं। संरचना या उससे जुड़े हुए गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन। कहता है इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना और उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन, रासायनिक फिर संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि की का अध्ययन किया जाता है। आप अगर पढ़े होंगे सर ऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री, तो उसमें किस अभिक्रिया को कौन प्रभावित करेगा, किस अभिक्रिया को कौन बढ़ा देगा, इसके बारे में पढ़ा जाता है। अभिक्रिया के बारे में मेनली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता, लेकिन यह कुछ खास नहीं है। कार्बनिक रसायन जिसमें क्या हो? कार्बन हो। कहता है इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य योजक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इत्यादि। कुछ खास नहीं है। अकार्बनिक होगा मतलब जिसमें कार्बन नहीं हो। इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा हाइड्रोकार्बनिक, हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया था। हाइड्रोकार्बनिक का मतलब हुआ जिसमें केवल हाइड्रोजन होगा, मेनली सर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन भी होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन होता है,
लेकिन मेनली अगर हम बात करें अकार्बनिक की तो इसमें वैसे तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिसमें कार्बन ना हो। लेकिन सर कार्बन का अन्य से जो संयोग होगा वो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसीलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन यहां लिखते हैं। बट ये भी कुछ खास नहीं है, मेनली जो हम लोग पढ़ेंगे वो यहां से पढ़ेंगे, ठीक है। ओरिजिनल केमिस्ट्री आपका होता है स्टार्ट। अब पदार्थ क्या है? पदार्थ वो है जो जिसमें भार हो, जो स्थान छेकता हो, उसी को ना पदार्थ कहते हैं। पदार्थ वो है जिसमें भार हो, जो स्थान छेकता हो, उसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, बोलो ना। कहते हैं पदार्थ वह वस्तु जो स्थान छेके जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा क्या है? पानी, गैस इत्यादि सब क्या है? पदार्थ ना। अब पदार्थ की का वर्गीकरण पे आते हैं, और तभी पूरा पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री खत्म हो जाए, इतने में केमिस्ट्री कंप्लीट है। पदार्थ तीन प्रकार के हैं, ठोस पदार्थ का दो वर्गीकरण है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण तीन प्रकार के हैं, ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक वर्गीकरण दो, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आओगे तो तत्व और यौगिक, तत्व में आओगे तो धातु और धातु, उपधातु, यौगिक में आओगे तो कार्बनिक और अकार्बनिक, और मिश्रण में आओगे तो समांगी और मिश्र। इस हिसाब से केमिस्ट्री को बांटा गया है। ए तुम्हारा, अरे तुम्हारा नीचे फाउंडेशन है, नीचे जाओ, फर्स्ट फ्लोर पे चल रहा है, मतलब पहला क्लास में भी आधा घंटा लेट आता है। कोई है नहीं स्टाफ? किसी का फाउंडेशन नहीं ना है? किसी का आज पहला क्लास है क्या? तो यहाँ क्या उखाड़ रहा है भाई, नीचे जा। है वे करेगा, नीचे फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट के सामने ऑफिस में पूछो, बता देगा। देखो देखो, चूजा सबको हवे नहीं लग रहा है। जिनका पहला क्लास है नीचे जाइए। हेलो, इन लोगों की गलती नहीं है, इसलिए इसको बेइज्जती मत महसूस करना, ये हमारे प्यारे प्यारे स्टाफ लोगों की गलती है। सबको ढोक दिया अपना एक में, जेने जाके मन होता है उन्हें बैठ। देखो मामला ये है चला कि भौतिक वर्गीकरण पहले हम लोग पढ़ेंगे तब रासायनिक पढ़ेंगे। तो भौतिक वर्गीकरण में कौन कौन आता है? देखो दो चीज यहां पर ध्यान देना, एक तो भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस, बोलो ना रे, और दूसरा तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। अरे नीचे से वो स्टाफ बुला गया, जिनका पहला क्लास है नीचे जाएंगे। देखो एक मिनट, पदार्थ की अगर हम बात करें तो इसका भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण में आपका ठोस, द्रव और गैस आता है। भौतिक वर्गीकरण में आपका ठोस, द्रव और गैस आता है। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। ये खाली यही दो बात है यहां में सीखने वाली बात है कि भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस। हम बोलेंगे खाली संरचना के बारे में ना पढ़ेंगे, और रासायनिक वर्गीकरण में आओगे धातु, अधातु और उप, एक मिनट बोलेगा नहीं कोई। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस, और रासायनिक वर्गीकरण में धातु, अधातु और उपधातु। तत्व के जो भी नए बच्चे हैं उनको नीचे बैठाइए क्लास में। भौतिक वर्गीकरण बढ़िया समझना, ठोस, द्रव और गैस, तत्व के तीन भाग धातु, अधातु और उपधातु। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस, तत्व, धातु, अधातु और उपधातु। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव, एकरे पे झोल है। भौतिक वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस, तत्व तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। क्योंकि हमको पता है आगे झोल होने वाला है, इस सब के कोई काम नहीं है, काम बस दुए के है। एगो भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस, एगो तत्व हो जाएगा धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है।
अब हम लोग पहले भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक वर्गीकरण मतलब ठोस, द्रव और गैस के बारे में। और हमको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को ठोस, द्रव और गैस के बारे में ये पता होगा कि ठोस का डिफिनेशन क्या है। तो आप लोगों की तरफ से हम ये मान लें कि ठोस का डिफिनेशन आपको पता है कि जेकर आकार और आयतन निश्चित हो। पता है? द्रव जेकर आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो। इस समय कुछ बोलना है भाई? गैस जेकर दोनों अनिश्चित हो। तो पदार्थ की तीन, ये भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ का तीन अवस्था कर दिया, ठोस, द्रव और गैस, जबकि इसकी दो और अवस्थाएं होती है। एक मिनट रुकने दे। भौतिक वर्गीकरण जो पदार्थ का हुआ है, ये वो तो हो गया ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। पहले पदार्थ की यही तीन अवस्थाएं थी, अब दो और अवस्थाएं हो गई, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। इसको पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, सबसे अधिक तापमान इसी में होता है। इसको सत्येंद्रनाथ बोस ने चूंकि खोजा था, इसलिए इसी के नाम पर सत्येंद्रनाथ बोस रखा गया। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, इस अवस्था का तापमान बहुत अधिक होता है, और इस अवस्था का तापमान इतना ज्यादा होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, सूर्य और तारों की ऊष्मा के बराबर तापमान होता है इसका। सूर्य और तारों का तापमान तो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब तुम सोच के देखो, ये 6,000 है, 20,000 होता है, परमाणु बम फटेगा तो 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होगा, और 350 में हम लोग पिघल जाएंगे, 1700 में लोहा पिघल जाएंगे, 3700 में सबसे हार्डेंड मटेरियल जो अवेलेबल है वो टंगस्टन, वो पिघल जाएगा 3700 में। एक टेम्परेचर ही होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना कुछ नहीं है, परमाणु बम फटेगा तो 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होगा, और जिसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। मतलब जितना ही घर उर देख रहा है, इन नदी के समान बहने लगेगा, हम लोग का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ, यह प्लाज्मा चौथी अवस्था है, सूर्य और तारों के का तापमान इसी अवस्था के कारण होता है, इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर अभी खोज जारी है, इसलिए इसका थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर इसका नाम पड़ा था, बोस पार्टिकल या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठोस द्रव के बारे में हम जानते हैं, ठोस आकार आयतन दोनों निश्चित, आयतन निश्चित आकार अनिश्चित, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। जब ये सर हमारे पास आता है, गौर फरमाइएगा, अगर हम सर गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, सबसे ज्यादा गति गैस के अणुओं में होती है, सबसे ज्यादा गति गैस के अणुओं में होती है। गैस का वेग सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा। ठोस में तो वेग होवे नहीं करता है, इसलिए गतिज ऊर्जा सबसे कम, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। गति सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम द्रव में, ठोस के अणुओं में तो कोई गति होवे नहीं करती है। सही है? अगर हम बात करें, एक होता है विसरण। सर मेनली जो आपका चैप्टर है ना, वो 4-5 चैप्टर जो आपका मेन है, वो है एक तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जिसमें हमने लगभग ऑब्जेक्टिव को कवर करने की कोशिश की है, जो पहला है। दूसरा चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तीसरा चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट है, और चौथा चैप्टर पीरियोडिक टेबल है। यही चार चैप्टर केमिस्ट्री का जान परान जे कह दो वही है। बाकी के चैप्टर्स जो हैं वो एक दिन में एक चैप्टर समाप्त हो जाएगा, एक दिन में हो सकता है दो चैप्टर भी समाप्त हो जाए, छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन ये दोनों चैप्टर में टाइम लगेगा।
ये जो चार चैप्टर्स मैंने कहे, मेनली दो चैप्टर में बहुत ज्यादा, तीन चैप्टर में टाइम लगेगा। एक छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर और एक केमिकल बॉन्डिंग, ये तीन चैप्टर में टाइम लगेगा। इसके बाद कहीं से कोई समय नहीं लगना, डेली एक चैप्टर समाप्त कर देंगे। गति जो है, विसरण क्या होता है सर? विसरण को कहते हैं इंग्लिश में डिफ्यूजन। जैसे हम लोग कहते हैं कि गंगा में हड्डियों को विसर्जित कर दिया, तो गंगा में हड्डियों को विसर्जित कर दिया मतलब छोड़ दिया। जैसे हम लोग सर पाद देते हैं, तो पाद देते हैं तो सर छोड़ देते हैं। यहाँ अधिक घनत्व होता है, अब बाहर में कम घनत्व होता है, तो अधिक घनत्व से कम घनत्व में निकल जाता है। गैस आपका सिलेंडर में है, अधिक घनत्व में है, अधिक घनत्व में रहता है, उसको छोड़ते हैं तो अधिक घनत्व से कम घनत्व में गैस का फ्लो होने लगता है। कभी ऐसा होता है कि बाहर से तो अंदर आ जाए गैस? जब भी जाएगा अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर गैस का प्रवाह होता है। अधिक घनत्व से कम घनत्व की ओर जो गैस का प्रवाह होता है, इसी को हम विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो हमको ही बताओ सबसे ज्यादा विसरण डिफ्यूजन किसका होगा, ठोस का कि द्रव का कि गैस का? सबसे ज्यादा होगा गैस का, उससे कम होगा द्रव का, उससे कम होगा ठोस का। हैव यू एनी डाउट? आकर्षण बल सबसे ज्यादा किस में होगा? ऑब्वियसली सर ठोस में होगा। अगर हम आकर्षण बल की बात करें, सबसे ज्यादा ठोस में होगा, उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम गैस में होगा। ठोस में बहुत ज्यादा आकर्षण होगा तब ना सर इसके कण आपस में सटे सटे होंगे। और अगर हम सर स्थान की बात करें, इंटरमॉलिकुलर स्पेस, अंतर आणविक स्थान, मतलब दो कणों के बीच का स्थान की अगर बात करें, सबसे कम स्थान ठोस में होगा क्योंकि इसके कण सटे सटे होंगे, और गैस के कण, तो बता सबसे ज्यादा स्थान किस में होगा? उससे कम द्रव में, उससे कम ठोस में। ठोस में तो एकदम ही स्थान नहीं होगा, दोनों कण आपस में सटे हुए होंगे। और अगर हम बात करें सर घनत्व की, तो बता घनयाइल कहां होगा कण? सबसे ज्यादा घनत्व ठोस में होगा, उससे कम द्रव में होगा और सबसे कम किस में होगा? हैव यू एनी डाउट? घनत्व जो होगा वो सबसे ज्यादा ठोस में होगा, क्योंकि उसके कण, जिसके कण जितने सटे हुए होंगे उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। गोरखा कुछ बोलना चाह रहा है? ई गोरखा सर, विसरण में गए से पहले प्लाज्मा नहीं होगा, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। पहले ये तीनों का मामला हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगर हम घनत्व की बात करें सर, तो हम लोग कहते हैं घना जंगल। घना जंगल मतलब वो जंगल जिसमें पेड़ सटे सटे होते हैं। तो घनत्व तो हम कहेंगे ज्यादे, इसका मतलब हम कहेंगे कण सटे सटे होंगे। और घनत्व कम मतलब कण हटे हटे होंगे, इसका मतलब हम समझ जाते हैं गैस में कण हटे हटे होते हैं, इसका मतलब वहां घनत्व कम है। अगर कण सटे सटे होंगे तो घनत्व ज्यादा होगा, ये ना होगा? अगर कहेगा घनत्व ज्यादा और घनत्व कम, तो हम ये देखेंगे कण सटे सटे हैं कि कण हटे हटे, बोलवे नहीं करेंगे। आप देखो आज तरीक खाली है का नहीं? इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा? ये तो गड़बड़ वाला दे दिया है। और है क्या रे इसमें? मरियो जो ना, शिक्षा बहुत जरूरी है। हेलो,
वो जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें का पीपीटी है ना, वो आधा है। पूरा वाला देखे तो कहाँ पर है, किस बोर्ड में होगा, कहीं पे देखो, पूरा मिला लीजिएगा कि स्लाइड्स, नंबर ऑफ स्लाइड्स हैं कि नहीं। जल्दी जल्दी भेजिए। नहीं देखिए सर, है क्या ना, खोज किसी न किसी का कोई ना कोई करवे किया होगा। अब जैसे आप जाइएगा ना गांव घर में, दुकान में जींस देखने, तो कहेगा थोड़ा समझ में आवा हुई कंपनी के जींस। तो हमको तो आज तक इन्हें समझ में आया बिना कंपनी के जींसों बनता है क्या। तो अगर कोई पदार्थ है तो उसकी जब हम जाते हैं ये बात सुनते हैं तो हमको उस टाइम हम ये बात सोचते हैं कि अगर कोई चीज है तो कोई ना कोई कंपनी बनाया होगा, अगर कोई चीज है तो कोई ना कोई खुजबे किया होगा। लेकिन हम सबका नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका नाम पढ़ोगे तो पदार्थ की खोज भी कोई किया होगा, नहीं किया होगा, ठोस का भी खोज कोई किया होगा। देखो ये ठोस है, खोज किया हम, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। जिस चीज की खोज पूछी जाती है उसी को पढ़िएगा तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती करिएगा। तो सर हर चीज की खोज किसी न किसी ने की है। अब आते हैं सर यहां, आपके पास किताब होगी, मैं पीपीटी थोड़ा सा मंगवा लेता हूं। कहता है ठोस, द्रव और गैस। ठोस का देखिए डिफिनेशन दिया हुआ है, आप देखिए तो किताब में आपको जो दिया हुआ है, ठोस के कण देखिए सटे सटे हैं, द्रव के कण उससे हटे हटे हैं, और गैस के कण सबसे ज्यादा हटे हटे हैं। अब कहने का मतलब यह हुआ कि ठोस का घनत्व तो ज्यादा है कि कम है। ठोस का डिफिनेशन है चला, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं, जैसे पत्थर, कोयला। द्रव, इसका आयतन निश्चित और लेकिन आकार परिवर्तनशील होता है, अर्थात जिसे पात्र में रखी जाती है उस पात्र का स्थान घेर लेता है। सही बात है, दूध को जिस पात्र में रखिएगा उसका स्थान छेक लेगा, जैसे पानी, दूध, तेल। गैस, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मार्स गैस, इस सबका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। गैस का आकार निश्चित होता है क्या, आयतन निश्चित होता है क्या, कोल गैस, मार्स गैस इत्यादि। अब ये सर मेनली इंपॉर्टेंट नहीं था, ये सब जानता है। ये अगर पूछ दे कि ठोस का बताओ क्या होता है, इसमें भी अगर घुमा के पूछ देगा फंस जवे करेगा, लिख देगा आकार निश्चित, आयतन अनिश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आकार भी अनिश्चित। तुम कहोगे मां कसम ई की पूछ दिया। अरे भाई मेरे, तू सच पूछ तो तेरे को सब चीज आती है, बस तुम कॉपी वो कंप्यूटर पे देख के, देखने के बाद ही तेरे अंदर इतनी सारी हैरानियां आ जाती है, लगता है तो हमको आ ही नहीं सकता। तू अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रख, क्वेश्चन को ये जो थ्योरी है सर, कोई अपने बाबूजी घर से अमेरिका में भी यही लोग पढ़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये 512 पेज पढ़ने से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो आपका 1300 पेज पढ़ने से क्वेश्चन बनेगा। सर इससे मोटी किताब साइंस की अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जनरल कॉम्पिटिशन, और इसमें लगभग सब कुछ है। इतना पढ़ने से अगर तुहार रिजल्ट नहीं होगा तो एक मोटका कोई पढ़ता होगा तो उखरे होगा तो होने दो, कैसे पढ़ेगा। 512 है तो कर मतलब 800-900 पेज पढ़ेगा तब ना होगा साइंस। इसलिए चला तू बिलीव कर कि तोरा से सब क्वेश्चन बनना चाहिए। कहते हैं ठोस, द्रव और गैस के कुछ सामान्य गुण बताओ। गति ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में होगी, उससे कम द्रव और सबसे कम ठोस। घनत्व की बात करोगे सबसे अधिक ठोस, द्रव उससे कम गैस। अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक ठोस, उससे कम द्रव, उससे कम गैस। अंतरणविक स्थान सबसे अधिक गैस, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। प्रत्यास्थता और स्वसंजक बल अभी हम तुमको नहीं पढ़ाए, प्रत्यास्थता और स्वसंजक बल आपके फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, जिनका एडमिशन होगा फिजिक्स में उनको हम जरूर पढ़ाएंगे। प्रत्यास्थता एक चैप्टर, एक टॉपिक है, स्वसंजक बल भी एक टॉपिक है, स्वसंजक और असंजक बल, ठीक है। तो वहां जाएंगे तो हम ये क्लियर करेंगे। विसरण सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का, उससे कम द्रव का और सबसे कम ठोस का। अब कहते हैं ठोस, द्रव और गैस के अलावे पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती है, कौन कौन।
प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। देखो प्लाज्मा अवस्था की खोज विलियम क्रूप्स ने किया था 1879, लेकिन ये पूछता नहीं है, फिर भी हम लिख दिए चूंकि लिखना था इसलिए बच्चे पूछ देते हैं। प्लाज्मा की अगर हम सर बात करें तो इससे जो क्वेश्चंस तुमको आता है न इसका आकार निश्चित है न आयतन निश्चित है। मेनली अगर ये कहो तो ये गैसियस फॉर्म में ही रहता है या आयनीकृत अवस्था में होता है, ये पूछता है कभी कभी, हम लिखवा देंगे। आयनीकृत अवस्था में होता है, इस अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड? और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है सूर्य और तारों की ऊष्मा किस अवस्था के कारण होती है, कहेंगे प्लाज्मा। कहता है कि प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता। एक लाइन लिखना, प्लाज्मा आयनीकृत अवस्था में होता है। प्लाज्मा आयनीकृत अवस्था में होता है। प्लाज्मा आयनीकृत अवस्था में होता है यह पदार्थ की कैवी अवस्था है, चौथी। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। हाईलाइट करो ये लास्ट वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्लाज्मा की पहचान विलियम क्रूप्स ने 1879 में, जो दूसरा पॉइंट है, प्लाज्मा की पहचान सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 में हुआ था, लेकिन प्लाज्मा का नाम इवरिंग लेग्म्यूडर ने दिया था, इस हमने पूछेगा। यह पदार्थ की चौथी अवस्था, इसको भी हाईलाइट कर लेना, ये पूछता है तब ना कहेगा लड़ा क्वेश्चन। प्लाज्मा अवस्था का तापमान 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पूछता है। सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, हाईलाइटेड। सूर्य और तारों की अवस्था प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या पदार्थ की कैवी अवस्था है, पांचवी। अब देखो पकड़ो ने, हम आते हैं सर परिवर्तन पर। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक क्वेश्चन तू ने तो तुम्हारे पड़ोसिया के सेट में रहबे करेगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। लेकिन सर जो हम लोग पढ़े हुए हैं, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, दोनों में अंतर होगा। हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में क्या जानते हैं और आज क्या जानेंगे, गौर फरमाइएगा, क्योंकि अब क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का इससे पूछता है। परिवर्तन दो प्रकार का होता है, देखो हमको ये बताओ कि हम अभी 6 फीट के हैं और कल भी 6 फीट के हैं, तो परिवर्तन हुआ क्या? तो नए अगर परिवर्तन हो, जबरदस्ती परिवर्तन नहीं कर देना है। हर जगह परिवर्तन ही होगा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है जहां कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक, और एक होता है रासायनिक। एक को लाइन याद रखना है, मिल जाए वो भौतिक ना मिले वो रासायनिक। इसमें बच्चा बड़ा, अगर जरा सा भी कंफ्यूजन तुमको होता, वैसे होना नहीं चाहिए इस उम्र में, लेकिन अगर होता है तो ये आप जानिए कि मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक। मोने मन बोल लो भाई, मोने मन बोले नहीं सुना, बच्चा है तुम लोग। मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए भौतिकी ना मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिकी ना मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिकी ना मिले रासायनिक, मिल जाए भौतिकी ना मिले, मिल जाए भौतिकी ना मिले रासायनिक। क्लियर सर? मिल जाए वो भौतिकी ना मिले वो रासायनिक, मतलब अगर परिवर्तित होने के बाद वो चीजें फिर से मिल जाती है तो भौतिकी
अगर नहीं मिलती है तो रासायनिक, जैसे आप पानी बर्फ बन जाएगा, फिर बर्फ पानी बनेगा तो मिल जाएगा। अरे पानी बर्फ बन गया तो फिर हमको बर्फ से पानी मिल रहा है तो भौतिकी है कि रासायनिक है? तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन, ठीक है। और अगर ना मिले तो, ना मिले तो वो रासायनिक, जैसे हम लोग खा के हक दिए, फिर से भात मिलेगा क्या? मिल जाएगा हाँ, लेकिन मकई खा के हकेगा तो मकई मिल जाएगा नहीं मिलेगा? मकई खा लो, भोरे देखो, बहुत लोगों को करके देखने का आदत है कि हाउ मच अमाउंट इज एग्जॉस्टेड। वही लोग जो है वो फ्लश वाले में करना पसंद नहीं करते, वो एकदम खुले मैदान में, ताकि अपनी क्वांटिटी को देख सकें कि आज का हमारा अचीवमेंट क्या है। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जो हम अगर सर चावल खाते हैं, ऑब्वियसली हमको चावल कभी नहीं मिल सकता, इट्स इम्पॉसिबल, तो वो भौतिक परिवर्तन नहीं है, ना मिले वो रासायनिक परिवर्तन। बोलन दे, लोहे में एक बार जंग लग जाएगा तो फिर से लोहा नहीं मिलेगा, वो रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती जल जाएगा तो वो नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन, ना मिले। मोमबत्ती जल जाएगा तो नहीं मिलेगा, मोमबत्ती पिघल जाएगा तो मिल जाएगा, तो मोमबत्ती पिघल जाएगा इसका मतलब मिल जाएगा फिर से मोमबत्ती, तो वो भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती जल जाएगा तो नहीं मिलेगा, वो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना? तो मिल जाए वो भौतिक, इसका मतलब ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? इसको हम उत्क्रमणीय कहते हैं, इसको अनुत्क्रमणीय इरिवर्सिबल कहते हैं। सर एक होता है स्थाई परिवर्तन, एक होता है अस्थाई परिवर्तन। जैसे अभी मान लीजिए कि हम इसके संपर्क में आए और हम बोला हमको कि तो आप चोरी कीजिए, इससे अच्छा काम है जो अभी आप कर रहे हैं, तो हम मान लो कि चोरी करना शुरू कर देंगे, और फिर से जब ये चला जाएगा, ध्यान देना, एक बार हम परिवर्तित हो गए, आई चला गया फिर भी हम वही रह गए, इसका मतलब हम स्थाई रूप से परिवर्तित हो गए, फिर से हम अपने रूप में एकदम पक्का चोर हैं। और अगर हम परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने अवस्था में आ गए तो हम अस्थाई हैं। तो सर ई जब परिवर्तित होता है तो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, इसीलिए इसको हम अस्थाई परिवर्तन कहेंगे कि अस्थाई परिवर्तन? मर्द नहीं है क्या रे तुम? अरे यार डरता क्यों है, हमको समझ में नहीं आता है, कब तेरी मर्दानगी बाहर आएगी? हमको ये नहीं समझ में आता, अगर तुम गलत नहीं है तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है? ना हम तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारा हम कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? अगर तुम गलत नहीं है तो एक मिनट के लिए सोचो कि तुम गलत नहीं है तो तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ ले, तो फिर डरना किस बात का है भाई? अजीब हाल, मतलब हमको लगता है बहुत लोगों को यहां अगर हम खड़ा कर दें, एक बार वो लड़का को ऐसे ही यहां हम खड़ा कर दिए, वो उसका हाथ पर इतना थरथराने लगा, वो बोला हमको बैठने दीजिए तनी देर, रुकिए। वो थोड़ा देर तक बैठ गया, अब ओकरा उठा रहे हैं तो जैसे बहुत ज्यादा लोड पड़ने के बाद बैल नहीं बैठ जाता है, हाथ पर तैसे, हमको लगा मां कसम इस चट्टा को कुछ हो गया। जिनका पहला क्लास, कोई ऐसा है जिसका पहला क्लास है? पहले क्लास वाले नीचे चले जाएंगे, उनकी कक्षा नीचे है। अच्छा, टारगेट का पहला तो चलने दीजिए, कहने का मतलब यह चला है, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस कब तू बढ़ाएगा? अब भाई लोग, तुम लोग बड़ा हो गया है, और बड़ा हो गया तो अगर तू गलत नहीं है तो फिर तुमको किसी से, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का ही नहीं हो, तू अकेले उसकी कुर्सी हिला सकता है। डरना तो एकदम नहीं है,
अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए, सर आप गलत नहीं है, तो भारत का संविधान है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन पता नहीं हमको तो लगता है जोर से अगर कोई डांट दे, ये कहिए, क्योंकि हम लोगों को सर समस्या ये है कि हम लोगों के अंदर पहले से डर बैठा हुआ है। गांव के उस टीचर का जिससे 5 मिनट मुतने भी जाते थे तो लगता था कि मारेगा कि तो मामला तो ये है कि कहीं 10 मिनट मांगना पड़ता था तो लगता था कि कहता था वो जाएगा आएगा तब तुम जाना। ये सब डर पहले से हमारे अंदर, इसीलिए सर ये सब बैन हो गया है। आप बच्चों को मार नहीं सकते क्योंकि उस बच्चे का ग्रोथ ही नहीं हो पाता है। ग्रोथ तब होगा जब तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्यारे बच्चों, अपने अंदर 100% कॉन्फिडेंस डालिए, दुनिया एकदम आपके अनुसार चलेगी अगर आप गलत नहीं हैं तो। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर मिल जाएगा तो भौतिकी, ना मिलेगा तो रासायनिक। इसका मतलब ये अस्थाई परिवर्तन है, ये परिवर्तित होता है और फिर मिल जाता है, ये हो गया अस्थाई परिवर्तन। और ये हो गया सर अस्थाई परिवर्तन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ये अस्थाई रूप से परिवर्तित हो जाता है, फिर से नहीं मिलता है। ये परिवर्तित होता है फिर मिल जाता है, इसका मतलब परिवर्तन अस्थाई नहीं है, अस्थाई। हमको चोरी करने कहा, ये फिर चल गया, फिर हम चोरी छोड़ दी, ये परमानेंट चोर बन गया। अब सर मामला क्या है, कुछ कुछ चीजें तो आपकी क्लियर हो जाएंगी, जैसे लकड़ी जल गया तो आप कहेगा अच्छा लकड़ी जल गया वो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वो रासायनिक है, यही ना होगा। दूध से दही का बन जाना, फिर से दही से दूध बनेगा क्या? रोटी से मतलब आटा से रोटी का बन जाना मिलेगा क्या? ये सब तो कॉमन सेंस है जो तुम जानते हो, यही नहीं जानते हो? आप पीपीटी लेके तो अभी तक आए नहीं है भाई साहब। पढ़िए एक बार सर, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अरे यार कहाँ हो, छोड़ दो आगे। कहता है, गौर फरमाइएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। एक पदार्थ दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यह एक अस्थाई परिवर्तन है क्योंकि परिवर्तित होने के बाद फिर से मिल जाता है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। सही बात है ना भाई मेरे? रासायनिक परिवर्तन, यह स्थाई परिवर्तन है जिसमें इस परिवर्तन के में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपने पूर्व अवस्था में नहीं आता है। सही ना है? अस्थाई है क्यों अस्थाई? अब देखो हाँ है, इसमें इसमें भी नहीं है क्या? इसमें भी नहीं है, अभी बनाए हैं। अरे होगा यहाँ नहीं है, हम पढ़ाए हैं तो कैसे नहीं होगा? मेरे वाले पेन ड्राइव में नहीं है क्या? देखिएगा ना कहीं होगा। ये मेरे दोस्त हैं, जब हम स्टार्ट किए थे ना क्लास तो मेरे पास सिर्फ बोर्ड था, वो भी उधार का 3 महीना पहले। इन्होंने अपना कंप्यूटर दिया, भर दिन लगल रहता है 24/7। हम कहते हैं कि चल जाइए सूतने, तैयो नहीं जाएंगे। हम कहते हैं कि आज छुट्टी मार लीजिए कम से कम एक दिन, आँख इतना धस गया है। आ कोई स्टाफ आता है टिकवे नहीं करता है। 4 गो स्टाफ रखे हैं पिछले सप्ताह में कि इनको थोड़ा सा आराम मिलेगा, चारों भाग गया।
क्या मन नहीं लगता है कि मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं वो बैठल रहे, जकरा आदत है घूमने फिरने का। हम कर दिए अभी सब स्टूडियो में एक एक स्टाफ रहेगा ताकि कभी कनेक्शन कट जाए। लड़का सीधे गालिए से ना बात करता है, जैसे उसको चला तुम समझ नहीं रहा। हम लोग के लिए, मेरे लिए तो मतलब देखते हैं तो बड़ा कष्टकारी है। तुम सोचो गांव से बच्चा पढ़ रहा है और उसने पेमेंट किए हमको 299, उसमें बिहार पुलिस का बैच है और 299 में हम उसको पढ़ाते हैं 12 पेपर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो राहुल सर, मैथ में दो टीचर हैं, एगो प्लस टू वाले विकास सर, एगो आर के सिंह सर। उसके बाद उसका सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन अभी जो सिलेबस है लगभग वो अगले बार के लिए है। एक बार जो विज्ञप्ति निकल जाती है तो उसी हिसाब से एग्जाम होगा, लेकिन हमको लगता है चेंज सिलेबस पे ही एग्जाम होगा, उस पर वो तो अलग मैटर है। उसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ भी, प्लस टू का भी मैथ है, जनरल मैथ भी। आर के सिंह सर मैथ पढ़ा रहे हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे तब से वो मैथ पढ़ा रहे हैं। दीपक सर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, मतलब दुनिया के तमाम पेपर उसमें उपलब्ध हैं और फिर भी क्लास डेली चल रही है। और कितने घंटे? 7 घंटे। और तब उस बच्चों की शिकायत ये है कि सर पॉलिटी कब लगेगा? पॉलिटी तो लगेगा सर कहिया, इकोनॉमिक कहिया लगाओगे? परीक्षा के बाद। अब ओकरा हम की कहेंगे बता? उसमें केमिस्ट्री भी नहीं लगा था, तभी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो अगर केमिस्ट्री कर देंगे 7-8 घंटा आ इकोनॉमिक्स और एक पेपर और है वो कर देंगे तो 11 घंटा। मां कसम पढ़ेगा कब? और एक बार खाली कनेक्शन कट जाए फिर सुन लो रामायण कथा। तुम लोग खाली पैसा लेके ठगते हो, तुम लोग का ये क्या नौटंकी है? तुमसे नीचे तो बात ही नहीं करता, छोटा सोच के देखो कितना बुरा लगता हो। इसमें अगर 12 पेपर है चला तो मुश्किल से एक पेपर के लिए गुरुजी को फिजिक्स पढ़ाने के लिए उसने 25 रुपया पे किया है। 249 है, देखो गलती हो गया, 249 है, 299 ग्रुप डी वाला है, 249 रुपये में, यानी पर पेपर उन्होंने भाई साहब ने 22 रुपये पे किया है। यानी हम फिजिक्स पढ़ाएंगे 22 टका में, केमिस्ट्री 22 टका में और आर के सिंह सर पढ़ाएंगे 22 टका में मैथ। और तब चला ये बताओ कनेक्शन हमने लगाए हैं कि एक कनेक्शन ने है, दो कनेक्शन है, लेकिन एक कनेक्शन जब हट जाएगा तो दूसरा डालने में कम से कम एक ऑपरेटर परमानेंट वहां चाहिए। और अगर 5 सेकंड का भी गैप होता है चला, उतना देर में वो उतनी बातें लिख देता है जो तेरे दिल को छल्ली करते हुए निकल जाए। वहां टीचर और स्टूडेंट के बीच का सारा सम्मान खत्म हो जाता है। वही नहीं, उसके अलावे सुन लो, अगर एक दिन कोई टीचर क्लास नहीं लिया, सीधा लिखेगा, हम YouTube पे कोई पोस्ट करेंगे, नीचे लिखेगा ये क्या नौटंकी बना दिया है तुम लोग खाली पैसा का धंधा करता है रे। अब तुम सोच के देखो कितना बुरा लगता है। ये पैसा का धंधा अगर है तो हाँ मैं हूं धंधेबाज। अभी चल जाओ तुम, एक प्लेट कड़ाही चिकन का दाम 300 रुपया से कम अगर कहीं होगा अच्छे रेस्टोरेंट में तो जे तू कह देगा हम सुन लें। एक पिज्जा के बराबर पैसा ले रहे हैं हम तुम, और 10 आदमी मिल के मेहनत करते हैं, फिर भी हम लोग क्या हैं? लुटेरे हैं। तो ये बात ओकरा चला तू समझा कभी नहीं सकता। और वो लोग सीधा लिखता है कि तुम लोग का तरीका, शुरू शुरू में तुम आया बोला पैसा नहीं लेंगे, अरे चला 100 सेट कौन ऐसा माई का लल्ला होगा? और अगर YouTube पे कोई लल्ला है 100 सेट लगातार साइंस पढ़ा दिया हो, मां कसम जिंदगी तो गर्दन काट के रख देंगे तुम्हारे सामने। आज हम इस सेट बंद कर दें जो शाम में 7:30 बजे लेते हैं ना, 25 नंबर का साइंस पूछेगा, आने वाले 2 महीनों में 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में होगा। क्या करना है देखो, कुछ नहीं करना है, इस सेट का फीस कर देंगे 100 रुपया महीना, 2 दिन गाली देगा, 2 दिन, 2 दिन के बाद सब चीजें माहौल हमेशा देखता नहीं कुछ होता है तो, सुशांत सिंह राजपूत 3 दिन,
चैप्टर क्लोज, 2 दिन गाली देगा हमको, कुछ लोग नीचे सजेशन दिए, पगला गए हैं आप, 2 दिन गाली देगा और वही बच्चा पैसों देगा। हेलो, देखिएगा, हेलो 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 हेलो, बैटरी दीजिए इसका, वही लड़का पैसों देगा। हेलो, जो लड़का गाली देगा ना, वही लड़का, हम बोले ना तुमको, हम ऐसा आदमी से मिले, उसको बोले कि देखिए लड़का तो ऐसे ऐसे बोलेगा, कहता है लड़का के लिए एक बार जान दे दीजिए, घाट पे जब मिलेगा तो कहेगा ठीक से जान नहीं दिया। ये किसका कहना है, वो कहना किसका है, वो सुन लोगे तो वही जो पूर्व वाले भाई साहब हैं। हाँ, हेलो हेलो, बैटरी दीजिए मोबाइल, बैटरी मंगवाना है क्या, मतलब ये समझो इससे आवाज जा रहा होगा ना, फिर को किया है गरियाइयो देगा। उसने कहा कि अब जान भी ऐसे काट के दे दीजिएगा ना, तो कहेगा ठीक से नहीं कटा, इधर हमको लग रहा है थोड़ा और कटना चाहिए। आज बता चला हमरा सस्ता कोई पढ़ा रहा है, ये 100 सेट में कई दिन एबसेंट है पता है तुरा, 4 दिन, और 4 दिन के लिए जितनी गालियां मैंने सुनी है जीवन में उतनी गाली हम नहीं सुने इस 4 क्लास के लिए। और 4 क्लास में भी आज सैटरडे 1 क्लास हम लेंगे, और उसका वो भी 4 क्लास पूरा देंगे। एक टीचर का नाम बताओ जो 100 क्लास कंटिन्यूअसली पढ़ा दिया हो। अभी तो मैथ वाले बहुत सारे टीचर हैं, मैथ की बच्चों को जरूरत है, क्यों नहीं आ रहा है वो आगे और क्यों नहीं पढ़ा रहा है फ्री में, क्योंकि वो समझ चुका है। जिसको का वो बोला कि कोर्स लेने वाला सर अलग लोग है और गाली देने वाले अलग लोग हैं, उसके लिए आप कुछ भी कर दीजिएगा वो गाली देते रहेगा, और जिसको कोर्स खरीदना है वो खरीदते रहेगा, वो भी सही है बोला। लेकिन चला चुकी गुरुजी एक बार जब प्रॉमिस कर लिए तो कर लिए, ये हम प्रॉमिस नहीं किए थे ग्रुप डी तक पढ़ाएंगे, हम पर प्रॉमिस था कि एनटीपीसी के एग्जाम तक पढ़ाएंगे, लेकिन गुरुजी ने फिर एक नया प्रॉमिस किया ताकि बच्चे हमको गाली ना, कुछ नहीं करना है, चला 2 दिन गाली सुनना है, अगले 3रा दिन 1 करोड़ एग्जाम गाली, क्या कहेगा तू धोखेबाज है, तू भी फ्रॉड निकला, तू भी ये निकला, तू भी वो निकला, यही सब बोलेगा, एक दो को मान लो गालियों दे देगा। तो चलो 2 दिन तक अपने आराम से खा के घर में सूत जाएंगे, किसी का कमेंट्स नहीं देखेंगे, कोई पोस्टे नहीं करेंगे, ये भी सजेशन देने वाले लोग हैं हमारे नीचे। बोला कोई पोस्टे मत कीजिए जो गाली देगा, सबका कमेंट जो नया वाला पोस्ट है सब डिलीट कर दीजिए, नया कोई पोस्ट मत कीजिए। अब 2 दिन के बाद कहिए कि अब 100% लेंगे पर महीना, 50,000 बच्चा, तो इतना गुरुजी के दिन खराब नहीं है कि शाम वाला बैच 7:30 बजे बंद करेंगे तो 50,000 बच्चा एडमिशन नहीं लेगा, 50,000 × 100 अब बचल है 3 महीना, कितने अकाउंट में रहेगा ना। लेकिन 1 क्लास पे गाली मिलती है चला, लेकिन कहने का मतलब यह है फिर भी कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए हम लोग सर काम करते रहेंगे। कमेंट्स अच्छे बच्चे, यह बात है अच्छा बच्चा कमेंट शो नहीं करता है, सच पूछो एकदम, बच्चे की 2-3 कैटेगरी बटी हुई है, जो अच्छा बच्चा है ना वो कमेंट्स नहीं करता, वो चुपचाप पढ़ता है, वो आएगा ना बाप रे नीचे देखते हैं चला, वही से बच्चा को देखते हैं तो दिल को शांति मिल, वो आएगा ना तो सीधा पैर पकड़ लेगा, कहेगा गुरुजी बाप रे आपके दर्शन हो गए। अब वही दूसरा जो बगल में खड़ा रहे ऐसे कर रहा है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पीपल्स, इसलिए ये सबको इग्नोर करते हैं हम लोग ना। तो चला सच पूछ तो ये 25 रुपया में इतनी गाली सुनने लायक नहीं है चला, 1 कप चाय नीचे मिलती है इसकी जिसमें गुरुजी फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्या नौटंकी है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन तू ही आएगा, अब वो समस्या है चला, तू आएगा भी नहीं, तुमको जब जॉब लगती है तो पता है तुम क्या करते हो, पहले तो अभी आते हो तो पैर छू के प्रणाम करते हो, और जब जॉब लगती है ना सर तो आता है वही बच्चा, कहता है क्या हाल है सर, धंधा ठीक चल रहा है ना। पूछना ये बात आरके सिंह सर का कल का स्टेटमेंट है, वो बोले जब बच्चों को जॉब लग जाती है तो वो यही बात डायरेक्ट आके कहता है क्या हाल है सर, धंधा पानी ठीक चल रहा है ना।
और तब वो अपने दोस्तों को कहता है कोचिंग उचिंग सब ठगता है, सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी नहीं। तो भाई मेरे तू कितना बेईमान है तो सोच नहीं सकता, लेकिन तेरे में ईमानदारी अंदर में है, बाहर तू निकालता नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों जान लो, जिस दिन तुम किसी भी गुरु का आदर करना छोड़ देगा उस दिन इस धरती का विनाश निश्चित है। अभी पटिया कैमरा से कमो कर लेता है, अब वही बच्चा क्लास में दूसरे बच्चों को यह भी बोलता हुआ नजर आता है कि देखा हम कम करवा लिए ना, वो दोसर को भेजता है कि सर मेरा 600 रुपया रिटर्न कीजिए। कल मेरे पास एक केस आया, वो बोला कि सर ये कैसे हुआ। हम बोले क्या हो गया, इसका 2500 में किए मेरा 3100 रुपया ले लिए। अब हम ओकरा की कहेंगे, वो मेरा पैर पकड़ लिया तो हम ओकरा कम कर दिए। कहता सर हमू पकड़ लेते हैं 600 दीजिए। चला नीचे बैठोगे ना, नम वेराइटीज ऑफ पीपल। लेकिन एक लाइन का बात है, तू जॉब में चल जाए गुरु जी को उसी से संतुष्टि मिल जाए। अगर फिर भी लगता है हम लुटेरे हैं तो हम लुटेरे हैं, हम तो लुटेंगे भाई, ठीक ना। आ जाओ इधर। हेलो 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 हेलो, साउंड कम कीजिए। हम लोग चला गुरु जी की इतनी इज्जत करने, देखो गुरु जी अभी जा रहे हैं, मेरे हमारे गुरु जी जा रहे हैं जो हमको पढ़ाए थे। 5 मिनट तुमको गुरु जी से भी मिलवाते हैं, गुरु जी हमारे साथ रहते हैं और 5 मिनट के लिए मिलवाते हैं, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट। हम लोग 9:15 तक पढ़ लेंगे, ठीक है। ये मेरे गुरु जी हैं और आज भी ये मेरे साथ हैं, ठीक ना। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, चलिए आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, तो पढ़ाई आप लोग कर रहे हैं, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, आप लोग की मंजिल जरूर मिलेगी। आप लोग पढ़ाई में जरा सा भी कम्प्रोमाइज किसी तरह का कम्प्रोमाइज नहीं कीजिए। और आप लोग को सर इस तरह से मिले हुए हैं तो शायद उम्मीद करते हैं जो आप लोग को शायद जरा सा भी एक सुई के नोक के बराबर भी किसी पॉइंट में आपको दिक्कतदारी नहीं होता होगा। शायद दिक्कत होता है आप लोगों को, प्रॉब्लम होती है किन्हीं को नहीं हो रही है। तो ये आपको पढ़ा रहे हैं और कम से कम ऐसा प्रयास किया, आप लोग जब मंजिल पा लेंगे तो सर का कलेजा कितना ऊंचा होगा, कितना चौड़ा होगा, वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। आप लोगों को कितना कॉपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जद्दोजहद मेहनत करते हैं सर, रात में एक एक बजे रात तक मेहनत करते हैं और सब स्टाफ को जितने भी इनके काम करने वाले वर्कर हैं सबको प्रेरणा देते हैं। जो आप ईमानदारी से आगे बढ़िए और सही ढंग से तरीके से काम कीजिए और आप लोगों को भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए। आप लोग भी जद्दोजहद मेहनत करके मंजिल को पाइए और आप लोगों की मंजिल उम्मीद है जो जिस तरह से मेहनत और लगन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं मंजिल आप लोगों को जरूर मिलेगी। पढ़ाई कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई में किसी भी तरह का कमरबाजी नहीं, कोई बहाना नहीं होगा। ना आप मनाइए संडे है कि मंडे है कि ट्यूजडे है कि होली है कि दिवाली है, ये आपको कुछ नहीं मनाना है। पढ़ाई में किसी तरह का बहाना बाजी मत कीजिए, आज घर में मम्मी बीमार है, पापा बीमार है, घर में कुत्ता बीमार है, बिल्ली बीमार है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मिशन है, आपको पढ़ाई करना और मंजिल को पाना। मंजिल पा लेंगे तो आप लोगों के माँ बाप का, आपके पेरेंट्स का मान लीजिए कलेजा कितना, उसका सीना कितना चौड़ा होगा गर्व से वो बात आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और चलिए अब समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग चलते हैं सर के साथ में क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं हम लोग। ये मेरे गुरुजी और हमको जब एक नंबर ही काटते थे ना मैथ में 100 में तो हम इनसे लड़ जाते थे। 100 में 99 आता था और एक नंबर ही जबरदस्ती काटा करते थे
और साइंस और मैथ इन्हीं की देन है जो आज हम पढ़ा पाते हैं। हमको कोई मास्टर से हम कभी नहीं पढ़े, हमको समझ में नहीं आता था कभी नहीं, सब लगता था कि इन्हीं की बातें समझ में आ रही। और आज सर की अभी एक बेटी और दो बेटी और एक बेटा है, मतलब समझो कि 100 out of 100 है उन लोगों को मैथ में, और साइंस में 100 out of 100 है, मतलब उस लेवल की तैयारी करवाते हैं। अभी भी सर एकदम सिंपल हैं, जितना सिंपल आप सोच सकते हैं उतना सिंपल, वो उतना सिंप्लिसिटी वो मेंटेन करते हैं। मतलब अभी तो आए हैं तो थोड़ा सा हम बदलाव किए हैं सर में, नहीं तो अभी भी समझो कि अगर मेरा जूता रहता तो वो लेके पहन लेते हैं, लाओ हम पहन लेते हैं। कहते हैं जिस दिन मनुष्य के अंदर ईगो आ गया उस दिन उसका नाश निश्चित है। और पापा तो कभी इनको पैसा भी नहीं देते थे हमको याद, और ये कभी मांगते भी नहीं थे। ये पापा इनको डांट भी देते हैं, मेरे सामने में डांट देते हैं, क्योंकि पापा इनके चाचा हैं और ये भतीजा है, हम बैठे हुए हैं और मेरे सामने में डांट देते हैं, फट बुझाता है तुमको। हम सर के तरफ देख रहे हैं, सर मेरे तरफ देख रहे हैं। तो लेकिन समझिए कि अभी भी सर पढ़ाते हैं, अभी 10th वो पढ़ाते थे, हमने कहा कि सर आप यहाँ आ जाइए, सर का रूम, उनके बेटे का कमरा, उनकी बेटी की पढ़ाई, A to Z चीज गुरुजी मैनेज करते हैं, A to Z। एक भी ऐसा चीज जो उनके लाइफ में अगर मेरे रहते तकलीफ आ गया तो फिर वो नहीं आ सकता। जबकि ऐसा पापा बोलते हैं पैसा तो दिए थे, ऐसा थोड़े कि पैसा नहीं दिया था, पैसा देबे किए थे, लेकिन एक साल का एक के बार दे देते थे, जैसे 1 क्विंटल चावल दे दिए या 1 क्विंटल गेहूं दे दिए, तो उस हिसाब से सर भी मैनेज करते थे और पढ़ाई चलती थी। तो हम ये थोड़े कहते हैं कि सर आपने पैसा लिया तो फिर हम आपकी इज्जत क्यों करें। आज मेरे बगल वाले कमरे में सोते हैं, उनका बेटा उस बगल वाले कमरे में सोता है, खाना पीना रहना बच्चे की पढ़ाई, सर की सैलरी, एक क्लास सर लेते हैं और सर की सैलरी उतनी हम लोग करते हैं जितना एक बैंक का पीओ नहीं कमाता हो, जितना एक बैंक का मैनेजर नहीं कमाता हो, और हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमको लगता है कि हम जो पुराना वाला कर्जा था वो अभी चुका रहे। ये डेडिकेशन हर बच्चे के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वही बात है चला, यहाँ तो एगो कनेक्शन खाली कट जाए, एक दिन बफरिंग हो जाए तो गाली सुन लो तुम। आ जाइए सर इधर, अब यहां तुमको डाउट कहां कहां होगा। कहते हैं मक्खन का खट्टा होना, ये तो सबको पता है रासायनिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना, खाने का पचना, लकड़ी का जलना या ईंधन का जलना, भौतिकी रासायनिक, लोहे पर जंग का लगना, दूध से दही का बनना, फास्फोरस का किरोसिन, ये अलग मामला है, ये अलग है चला। मोमबत्ती का पिघलना, अरे पिघल जाएगा फिर मोमबत्ती मिलेगा, लेकिन जल जाएगा तो नहीं मिलेगा। पानी का बर्फ में बनना, पानी वाष्प में बनेगा फिर वाष्प ठंडा होकर पानी बनेगा ना। चीनी या नमक पानी का मिश्रण, अरे चीनी का मिश्रण कर दो पानी के साथ, फिर से आप उसको गर्म करके पानी जला दो, चीनी मिल जाए। उसके बाद कपूर का जलना, सर देखिए यहां पर मामला आप फंसाओगे कि सर कपूर का जलना ही तो जल गया फिर कैसे मिलेगा। सर कपूर ये ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया है, ठोस सीधे गैस में बदलता है, वही गैस फिर ठोस में भी बदल जाता है, इसलिए अपवाद है। उसके बाद आते हैं हम लोहे का चुंबकीयकरण, बता लोहे को चुंबक के साथ सटा देंगे उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा, अब फिर चुंबक हटा लेंगे चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा, ये ना होगा। लेकिन अब कुछ चीजें हैं, रेत और पानी का घुलना, पता चला रेत और पानी का घुलना, ये चला रेत और पानी घुल जाएगा फिर से पानी अलग नहीं होगा, हो ना जाएगा। उसके बाद आ जाओ इधर, अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, अब कोई अम्लीकृत यानी ये जल है जिसमें अम्ल है, ये सब नया नया टाइप का क्वेश्चन, वो अगरबत्ती का जलना खत्म हो गया। कहता है अगर अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन का मतलब हुआ कि कोई एसिडिक पानी है उसमें करंट दे दिए तो वो उसका विद्युतीय अपघटन हो गया, वो टूट गया, फिर करंट हटा लेंगे जुट जाए, बोलो ना रे, ये हो जाएगा भौतिकी रासायनिक,
अब ये सबलिमेशन का मतलब होता है उर्ध्वपातन। सबलिमेशन का मतलब जितना उर्ध्वपातित पदार्थ है सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, चाहे वो कपूर का जलना हो या शुष्क बर्फ का सबलिमेशन हो। शुष्क बर्फ किसका बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सवाल पूछा है, CO2 यानी CO2 से सूखी बर्फ का बनना, ऐसे भी तुम ही जान लो, बर्फ अगर बनेगा तुम सूखी बर्फ कहे कि कोनो बर्फ कहे, बर्फ अगर बनेगा तो फिर से पूर्वावस्था में आएगा कि नहीं आएगा? सर आएगा, आएगा। इसका मतलब ये भौतिक की रासायनिक। अब यहां पर तुम्हार काम जो है गड़बड़ाएगा। फॉस्फोरस को किरोसिन तेल में डालना, सोडियम को पानी में डालना, अब प्लास्टिक के तार का जलना, बताओ प्लास्टिक के तार का जलना क्या है? अरे प्लास्टिक तार जल जाएगा फिर मिल जाएगा? अब एक मिनट, प्लेटिनम तार का जलना, जल गया ना? प्लेटिनम का तार जो हम लोग लेते हैं कॉपर का तार है, इसके जगह प्लेटिनम का तार ले लेंगे, जल जाएगा फिर मिलेगा? अब फिर आता है चला पदार्थों का किण्वन। ये एक मिनट, एक दो तीन, ये तीनों पॉइंट हम आगे डिस्कस करेंगे। किरोसिन में क्यों रखते हैं, सोडियम को पानी में, किरोसिन में क्यों रखते हैं, फास्फोरस को पानी में क्यों रखते हैं, और कहां रख देंगे तो परिवर्तित हो जाएगा फिर नहीं मिलेगा, और कहां रख देंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। कई गो पॉइंट बचा, एक दो और ये तीन, किण्वन। ये तीन बातें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, किण्वन एक टॉपिक है। तो मेनली हम लोगों को यहां ये जानना है कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तित होने के बाद फिर से वो मिल जाएगा, और रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसमें परिवर्तित होने के बाद फिर से वो नहीं मिले। भौतिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन, सही है? अब आते हैं सर, हम लोहे पर जंग लगना, यही ना है? सर देखिए, लोहे पर जंग लगना ये आपको ध्यान में रखना है। एक चैप्टर वैसे हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण होता है और अवकरण, ऑक्सीकरण और क्या अवकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब एक लाइन अभी तुम जान लो, दो बातें होती हैं। ऑक्सीकरण का मतलब जलना या ऑक्सीजन का जोड़ना, लिख लो तो कहीं पर। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जलना, जलना या ऑक्सीजन के साथ जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है जलना या ऑक्सीजन का जुड़ना या जलना। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना या जलना, लिख लिया। जब ये कहीं पर भाई मेरे ऑक्सीकरण लिखा हुआ रहे, इसका मतलब समझ लीजिए कि वहां ऑक्सीजन जुड़ा होगा या ऑक्सीजन क्या हो गया होगा, जल गया। क्या हो गया होगा? जलेगा या ऑक्सीजन क्या होगा? जुड़ेगा। अब मामला ये है, लोहे पर जंग लगता है। तो लोहे पर जंग जो लगता है, आप देखिएगा कि ये जो आपका पिलर है, पिलर में ढाल दीजिए, और ढाल के आप 20 साल बाद भी तोड़िएगा तो लोहा पे जंग नहीं लगा हुआ रहेगा, क्योंकि सर लोहे पर जंग खाली नमी से नहीं लगता है, उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो लोहे पर जंग लगता है ऑक्सीजन के कारण कि नमी के कारण, कि ऑक्सीजन और नमी दोनों के कारण? और लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुटता है, बोलो रे। और लोहे पर जंग का फॉर्मूला Fe2O3 होता है, और लोहे पर जंग अगर लगेगा तो जंग लगता है तो ऑक्सीजन और नमी जुटता है, ऑक्सीजन और नमी जुटता है। तो किसी भी चीज में कोई भी चीज जुटेगा तो उसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? एक सौ बार पूछता है कि लड़का घटेगा मार देगा कि जंग लग गया तो खत्म हो गया, इसका भार बढ़ेगा। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग न लगे, और ये जो जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं सर? जस्तीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक और होता है सर, कभी कभी आप देखे होंगे कि गांव घर में जो सड़क किनारे पौधे लगे होते हैं, तो सरकार का ये प्रोग्राम आता है जिसके तहत तो उस पर चूना लेपित कर दिया था, हम लोग कहते हैं चूना मार दिया है।
सर रियल में वो चूना नहीं होता, वो ZnCl2 होता है, जिंक क्लोराइड होता है। जिंक क्लोराइड जो है उसका लेप लगा देते हैं, जिंक क्लोराइड का लेप लगाने के बाद उसमें कीड़े नहीं लगते। अब अगर हम बात करें भार बढ़ेगा कि घटेगा तो कहेंगे बढ़ेगा। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन की उपस्थिति की नमी की दोनों, तो कहेंगे दोनों। गौर फरमाइएगा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ऑब्वियसली रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि फिर से वो मिलेगा नहीं, फिर से मिल जाएगा हो। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगता है, सही है। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ जाता है, आयु क्या होगी? लोहे पर जंग लगने से आयु घट जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते का लेपन किया जाता है, यह प्रक्रिया जस्तीकरण कहती है, इसी को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसे गैल्वेनाइजेशन को हिंदी में लिख दिया जाता है जबकि ये इंग्लिश का वर्ड है। आई तो महाबिबिया यह सब जानबो करता है। लकड़ी को कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड ZnCl2 का लेपन किया जाता है। जस्ते की कमी से धान में कौन रोग होता है? खैरा रोग होता है। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है। मेनली चला तो तीन एगो चैप्टर है, एगो पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद चैप्टर्स बहुत आसान होंगे और आसानी से तुम्हारा जल्दी जल्दी हो भी जाएगा। ये तीनों में लेकिन टाइम लगेगा। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक, एक मिनट, तत्व, यौगिक और क्या? मिश्रण। ये तो तत्व की अगर हम बात करें तो ये तीनों में डिफरेंस कैसे हम लोग करेंगे? सर अगर अकेले है, जैसे अल्मोनियम है, अकेले है तो तत्व है, किसी के साथ है और सूत्र है। पहले तो सर तत्व और यौगिक दोनों का सूत्र होता है, तत्व और यौगिक दोनों का सूत्र होता है, इसका सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है, तत्व और यौगिक का सूत्र होता है, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण जैसे हवा, हवा का कोई सूत्र नहीं होता है, ऑक्सीजन का सूत्र होता है लेकिन हवा का, ऑक्सीजन का सूत्र नहीं होता, ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 लेकिन हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। तत्व और यौगिक का सूत्र होता है लेकिन अगर अकेले सूत्र होगा तो तत्व, ई मत करना ए और एल दू गो तो ये है, ये वाला मामला नहीं ना है, ए एल एक गो हुआ अल्मोनियम। अगर अकेले सूत्र होगा तो तत्व होगा, किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा, कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। अब अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व के तीन भाग हैं और यौगिक के भी अलग अलग भाग हैं। तुमको कहेगा शरबत, तो शरबत का कोई सूत्र नहीं होता, मिश्रण है। ये थ्योरी गुरुवे जी के देन है, ये थ्योरी पहले नहीं था और बच्चों को बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत होता था कि हम सर जब इसको क्लोजली एनालाइज किया बच्चा ही समझ ही नहीं पाता। जैसे कहता था बताओ जल क्या है, तो जल एक यौगिक, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। लड़का डिसाइड ही नहीं कर पाए कि यौगिक है कि मिश्रण है। भाई जल है तो फॉर्मूला, फॉर्मूला है तो यौगिक है, और अगर अकेले फॉर्मूला है तो तत्व है, किसी के साथ फॉर्मूला है तो यौगिक है, कोई फॉर्मूला नहीं, मिश्रण है, सही है। तत्व के तीन भाग हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक का तो ही गया कार्बनिक, अकार्बनिक। यौगिक दो प्रकार का, एगो कार्बनिक एगो अकार्बनिक, अलग से पढ़ेंगे। मिश्रण हो गया एगो समांगी एगो विसमांगी, लेकिन मेनली हम लोग अभी पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु। तो सर कहते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्य को मुख्यतः तीन भागों में वर्गीकृत किया गया, तत्व, यौगिक और मिश्रण, एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब आज ये सर शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तत्व दूसरा यौगिक। आज जैसे सर देखो ये चीज कहीं पर लिख लो, वैसे लिखा हुआ होगा आगे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ होता है। सर देखिए जकर सूत्र होता है, जकर सूत्र होता है
तत्व का भी सूत्र होता है, यौगिक का भी सूत्र होता है। और ये शुद्ध पदार्थ, मिश्रण का सूत्र नहीं होता, ये अशुद्ध पदार्थ। जल्दी से लिख। देख लो पूरा प्रियंका पे चल रहा है। कहता है कौन प्रपोज करेगा। दूसरा कहता है तुम क्यों नहीं समझ रही हो प्रियंका, ये कुछ लड़का होता ही पागल है, सब नौटंकी करता है, मन लगाकर पढ़ो। दूसरा कहता है चुपचाप पढ़ो, तुम लोग को कोई काम नहीं है। प्रियंका कहती है क्यों पागल हो गया है क्या, पढ़ने आया हो कि प्रपोज करने, यही सब करो। पूरा जो है ना, फिर प्रियंका लिखते कम से कम माँ बाप का तो लाज रख लो। एकदम सही बात, एकदम सही बात बोली प्रियंका, एकदम तुम सही काम कर रही है, तोरो कोई काम धंधा नहीं है। जितना तुम लिखेगी उतना वो लोग और लिखेगा, तुम अपना चुपचाप पढ़ो, तुरा कोई काम धंधा नहीं है। एगो पिछला बैच में थी रूपा, एगो था वो लिए वो अपन आईडिया बने ले एसके झा की प्रेमिका, एगो बना दिया एसके झा का चेला। और दान अब कहीं चला, जगर सूत्र होगा वो शुद्ध पदार्थ, जगर सूत्र नहीं होगा वो अशुद्ध पदार्थ। पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती का दिक्कत खोजते रहना है। दानव सब कहीं का भांति भांति शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के, कौन कौन, तत्व और यौगिक ना। अशुद्ध पदार्थ हो गया कौन, मिश्रण। अब तत्व किसको कहते हैं सर, देखिए जैसे तत्व कौन है और मिश्रण कौन है, यौगिक क्या है, कैसे पता करेंगे। जैसे मान लो ये आयरन है, इसको हम तोड़ देंगे तो क्या ये अल्मोनियम हो जाएगा, इसको हम इसमें कुछ और जोड़ देंगे तो क्या ये सोना हो जाएगा। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध क्यों है क्योंकि एक और सूत्र है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको तोड़ने या जिसमें कुछ जोड़ने पर वह दूसरे पदार्थ में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे अल्मोनियम तत्व है, H2O तत्व नहीं है क्योंकि उसको तोड़ोगे तो H प्लस वो H माइनस में टूट जाए। जैसे सर अगर हम गौर फरमाएं तो H2O ये तत्व नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको जब तोड़ोगे ना तो तोड़ने के बाद ये H प्लस प्लस ओ एच माइनस में टूटेगा। एच प्लस प्लस ओ एच माइनस मतलब जिसको, लेकिन आयरन ले लो, इसको तोड़ भी दोगे तो आयरन में रहेगा, अरे तोड़ देंगे तो अल्मोनियम हो जाएगा। अरे 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 कहां, इधर नहीं लगाना है, हाँ इधर नहीं लगाना है, यूपीएस लग गया है, खोलो तार। मेरे किसी कनेक्शन में नहीं लगाया, उसको बोल समझाओ, नीचे जाके लगा आ? इसमें कहीं नहीं लगाया गया, मेरे कनेक्शन में यूपीएस लग गया है, इन्वर्टर डाउन हो जाएगा, नीचे जाके लगाओ। आ जाइए सर इधर, कि तत्व और यौगिक, ए रो रे उज्जा, ए उसको उसको बोलो, ए सुनो ना,
अपने किसी भी कनेक्शन में वो नहीं लगाएगा। यूपीएस लगा उसको समझा दो। काम करना है तो हमारे काम कर रहा है, मकान मालिक को जाके बोलो। किस रूम में काम करना है? यहां काम करना है। अभी 12 बज गया है, भाग। देखो कहते हैं तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिणत नहीं किया जा सकता है। तत्व के सूक्ष्मतम कणों को परमाणु कहते हैं। देखो चला, अभी तक लगभग 114 तत्व ज्ञात हैं जिससे लगभग 92 प्रकृति में पाए जाते हैं। खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? यहां खट से बच्चा को डाउट होता है 118 काहे नहीं लिखा रहे मास्टर। तुम लोग के मन में भी चल रहा होगा, वेरी गुड, लेकिन 114 पढ़ना है, इसलिए पढ़ना कि एनसीईआरटी वही लिखता है। तत्व तो तीन प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखो, हम लोग सर पढ़ेंगे कैसे कि धातु कौन है? अधातु कौन है और उपधातु कौन है? देखो एक इंग्लिश होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, यही ना होता है? नहीं, धातु, अधातु और उपधातु। देखो ये उपधातु जो है इसकी संख्या 7 है। ये तुमको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा, मेनली परेशान करेगा तुमको ये दोनों। तो सरी जान लो जकर अंत में म लगल होगा वो मेटल होगा। जकर अंत में म लगल होगा वो मेटल होगा। अब मामला क्या है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, यूरेनियम, थोरियम, मोलगल है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, सोना, चांदी, हीरा, हीरा नहीं होगा सर, एक मिनट, जिसमें मो लगा हुआ होगा वो मेटल होगा। इस सब के बारे में लगभग तुम जानते हो कि मेटल है, बोलो ना। इस सब के बारे में तुम जानते हो ये क्या है? मेटल है। और मेटल उसको कहते हैं जिसमें क्या लगा हो? मो, आयरन, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, अल्मोनियम, सोना, ये क्या है? क्या है? बाद बाकी जब बच गया वो क्या है? जकरा में मो लगल हो और ये सारा मेटल। अब बाद बाकी जो बच गया वो क्या? आ 7 गो उपधातु है जिसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। कहते हैं भूपरपट्टी पर तत्वों का क्रम। देखो उपधातु भी जानिए लो ना तो झोल हो जाएगा। मेनली जो उपधातु तुमको जानना है वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल। कौन कौन सर? कौन कौन? कौन कौन? क्या है? क्या है? और जकरा में मो लगल होगा और ये सारा क्या है? बच गया वो, बच गया वो। अब तोरा अगर हम कहें रुक, यही लिखते हैं ताकि तुम डायरेक्ट मिला सको। तत्व का ही नहीं तीन भाग है, कौन कौन है ना? तुमको कहेंगे बता रहे चला ऑक्सीजन क्या है। एक मिनट, तुम ही सोचेगा चला यही नहीं पकड़ पाता है बच्चा तो क्वेश्चन की बनाए।
तुम ये सोचेगा कि मौ लगल है क्या एकरा में, तुम कहेगा ऑक्सीजन में मौ कहाँ है, ई सब लिस्ट में है क्या, नहीं है। सिलिकॉन और जर्मेनियम है क्या, ये अधातु होगा, सिलिकॉन अल्मोनियम में मौ लगल है, मौ है तो मेटल है, आयरन तो ई लिस्ट से है, हम कहेंगे बताओ चला फास्फोरस, मोनन लगल है, ई लिस्ट से नहीं ना है, यहां से है क्या, एक मतलब क्या हो, बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होती होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती होगी। अब तुम कहेगा कि हमारा नहीं होता है, हम ही नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इतना पढ़ने के बाद भी जब हम ग्रेजुएट हो गए, बीटेक उटेक कर लिए, तब हमरा नहीं बुझाता था माँ कसम धातु के और अधातु के। लगभग लोगों की दिक्कतें हमको लगता है सॉल्व हो गया होगा, क्वेश्चन बनाने तक का काम हो गया। सभी तत्व को तो तुम 114 को नहीं पहचान पाओगे, पहचानने की जरूरत नहीं है, जो पूछबे नहीं करेगा ओकरा पहचान के हम की करेंगे, जो पूछेगा ओकरा से काम हो जाएगा। भू पर पट्टी पर तत्वों का क्रम है OSI ALFE, तो हम अब समझ जाएंगे कि अगर सबसे अधिक तत्व पूछेगा तो तत्व पूछेगा धातु और धातु उपधातु नहीं, तब तीनों में सब में कंपेयर करेंगे तो कौन हो जाएगा आंसर, और सबसे ज्यादा और धातु पूछेगा, सबसे ज्यादा उपधातु पूछेगा, सबसे ज्यादा धातु पूछेगा, दूसरी सबसे ज्यादा, तीसरी सबसे ज्यादा, चौथी सबसे ज्यादा। भू पर पट्टी पर धातुओं का क्रम होगा ALFECN। सबसे अधिक धातु कौन, देखो हम क्या याद रखे हुए हैं, हम याद रखे हैं OLISI ALFE OCHNC, हमारा इतने याद है, हमारे सब दुख दर्द एक से दूर हो जाता है। हम कहते हैं भूपर पट्टी पर OSI ALFE और मानव शरीर में कहेगा तो OCHNC है, याद रखना पड़ेगा, एकरा में चला कोई कॉन्सेप्ट है, अक्सर हम कहेंगे ये पाया जाता है सबसे अधिक ऑक्सीजन तो पाया जाता है, एकरा में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो तुम इसका सीरीज याद रखो, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर कहेगा सबसे अधिक धातु तो अल्मोनियम आंसर मार देना, सबसे अधिक तत्व तो ऑक्सीजन मार देना, सबसे अधिक अधातु तो ऑक्सीजन मार देना, सबसे अधिक उपधातु तो सिलिकॉन मार देना। मानव शरीर में तत्वों का क्रम पूछेगा OCHNCA होता है, ऑक्सीजन सबसे अधिक, कार्बन उससे कम, हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ये देखो ये चारों को पहचानने में तुमको कतई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि यह अधातु है, दिक्कत हो रही है क्या, जैसे अभी तुमको हम बताए हैं, आज पहली बार हम भी बताए, जैसे तुमको अभी हम धातु अधातु उपधातु पहचानने के लिए बताए हैं, तुम सोचो कि आज हम पहली बार सोच पाए कि ऐसे बता देंगे तो काम हो जाए, तो तुम सोचो कि तुमको कितना सोचना है साइंस के बारे में। आज पहली बार हम ऐसे बताएं कि बच्चा खट से पकड़ लेगा, ये देखते ही लड़का कह देगा ओहो OCHNCA मोनन है, आज ये लिस्ट था ओकरा में नहीं है, सिलिकॉन जर्मेनियम है नहीं, तो धातु है, कैल्शियम देखते ही कहेगा मो है मेटल है। उसके बाद कहता है जीवित मानव के शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है चला मैंगनी, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में कौन, और मानव शरीर में तत्वों का क्रम सबसे अधिक, सबसे कम क्लियर है, धातु सबसे कम अधिक, बगचोटा धातु सबसे अधिक, ऑक्सीजन धातु है रे, धातु सबसे अधिक, तत्व सबसे अधिक, और धातु सबसे अधिक, सही है ना। यौगिक, क्या हो गया, कुछ खास नहीं है यार, ऑक्सीजन
मतलब कुल जोड़ के 100 से ज्यादा हो रहा है का? ये 46 है, ये 28 है, याद करना है क्या तुमको? ऑर्डर खाली याद रखो, कौन ज्यादा कौन कम। जो बुक वाला होगा ना वो फाइनल किया हुआ है, ये गड़बड़ होगा। बुक में जो है ना वो फाइनल होगा, बट इसका कोई काम नहीं, देयर इज नो वर्क। क्या जरूरत हमको सबसे ज्यादा सबसे कम पूछता है, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बुक का डेटा सर सही होगा, ये डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। यौगिक क्या है सर? अब जो हम तुमको समझाने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का सबसे गूढ़ ज्ञान है, जिसको हम कहते हैं तत्व और यौगिक में अंतर। कैसे होगा बढ़िया समझना। हम बोले तत्व की अगर हम बात करें, अल्मुनियम तत्व है। यौगिक की जब हम बात करेंगे, H2O यौगिक है, ठीक है। तत्व यौगिक, अगर हम तत्व और यौगिक की बात करें, तो तत्व हो गया तुम्हारा अल्मुनियम और यौगिक हो गया H2O। तो तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे ज्यादा यहीं से झोल होता है, इसको परमाणु कहते हैं। जैसे ही मान लो लोहा है, इसका एक छोटा सा कण ले लो, क्या कहलाएगा? यौगिक का सूक्ष्मतम कण ले लो, इसको हम अणु कहते हैं। ये जल है, उसका एकदम छोटा सा कण ले लोगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अणु। लेकिन चला एक में झोल की है, तोरा एग्जाम हॉल तक ही तो पीछा नहीं छोड़ेगा। एक में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, छोटका स्पेलिंग को बड़का, बड़का स्पेलिंग को छोटका, छोटका को बड़का, बड़का को छोटका। जैसे अणु परमाणु में झोल हो, एक जगह कहीं पर लिख डालो, छोटका के बड़का, बड़का के छोटका। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु और यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु। यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जल्दी से लिख। हो गया? Yes, sir। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु, ठीक है। कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्व, बता H2O है या C6, हम बोले जग का फॉर्मूला हो और किसी के साथ हो, हम इन्हें कहे किसी एक के साथ हो, किसी के साथ हो, C6H12O6 है। कहते हैं जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। किसी भी अनुपात में मिला दोगे तो मिश्रण का निर्माण होता है, यही ना मामला है? अब देखो चला, यौगिक जैसे H2O पर हम चर्चा करते हैं, तो बता तू अगर H2O यौगिक है कि मिश्रण? शरबत मामला ही है। कभी पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन चाट रहे हैं? नहीं। कभी पानी पीते हैं तो ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन खा रहे हैं? नहीं। लेकिन शरबत पीते हैं तो लगता है चीनी है इसमें। इसका मतलब इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता है, ना हाइड्रोजन जैसा लगता है ना ऑक्सीजन जैसा लगता है। इसमें आइएगा, इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है। शरबत अगर हम पीते हैं तो वो हमको नमकीन लगता है, बोलो रे? नहीं लगता है? अरे नमक पानी का शरबत भी तो हो सकता है, शरबत में कहीं लिखा है क्या एकदम चीनी होगा? तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम सर शरबत पीते हैं तो उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है कि नहीं रहता है?
इसका मतलब मिश्रण में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है, जबकि तत्व यौगिक में उसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद नहीं रहता, नहीं तो कहते हाइड्रोजन ज्यादा है पानी में, ऑक्सीजन ज्यादा है पानी में, कभी बोलते हैं क्या? कहता है जब दो या दो से अधिक तत्वों को, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है, यह जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनका गुण इसमें विद्यमान नहीं रहता है। रहता है क्या? हाइड्रोजन जैसा लगता है क्या? ऑक्सीजन जैसा लगता है क्या? अब कहता है यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। सही है? अब देखो यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सम अणु, एक होता है विषम अणु। यौगिक दो प्रकार के भाई मेरे, सोना मेरे, एक होता है सम अणु और एक होता है विषम अणु। एकदम सिंपल है, जैसे अगर समान तत्व रहेगा जैसे H2 Cl2 O2 ये हो गया सम अणु, और अगर असमान होगा जैसे H2O, दो तत्व है ना, या दो से अधिक भी हो सकता है C6 H12O6, ये समान हुआ कि सम अणु कि विषम अणु? क्या हुआ ये? अगर समान तत्व होगा तो सम अणु, अलग अलग तत्व होगा तो विषम अणु। सही है? कहते हैं सम अणु तथा अथवा तत्व के अणु, विषम अणु अथवा यौगिक के अणु, यही ना है? अरे अणु किसके होंगे, यौगिक के कि तत्व के? तत्व के, मारे या तम मार गए, अणु तत्व के होंगे। तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं, यही ना मामला है? तो कहते हैं सम अणु अथवा तत्व के अणु, ऐसे अणु जो समान प्रकार के परमाणुओं के संयोजन से बनता हो। बता चला एच और एच टू जो है ये एच एच से बना, हमको ही बताओ ये अणु है कि यौगिक परमाणु है, ये तत्व है कि यौगिक है? अकेले रहेगा तो तत्व है, किसी के साथ रहेगा और सूत्र है तो यौगिक है। ये चला यही तो बुझते बुझते तुम लोग यहां तक पहुंच गया, नहीं बुझ पाया। सच पूछो तो टीचर वो होना चाहिए जो चीजों को समझा सके। अगर ये सब तो तुमको 8-9 में मास्टर बाबू को समझा देना चाहिए था, और ये बच्चा तो अभी इसी में कंफ्यूज है कि यौगिक कौन, अणु कौन, तत्व कौन, परमाणु कौन, वो क्लियर ही नहीं कर पा रहा। तो वहां जाएगा तो वो ए के बी या बी के सी लगवे करेगा। हमने कहा अकेले सूत्र है तो यौगिक तत्व है, और किसी के साथ है तो यौगिक है, कोई सूत्र नहीं है तो मिश्रण है, और तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु है। इसमें हम क्या गलत बोल दिए? लेकिन जाइए ने रहे रे सूत्रले है कि रे मरद बनो ऐसे बैठो तन के है बढ़िया से बैठ, बढ़िया से बैठ तब कथा, क्योंकि एक भी बच्चा नाश्ता करके नहीं आता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और हम अभी आए हैं चला भर पेट खा के आए ऐसा, अब तुम सोचेगा तुम क्या, हम क्या खा के आए? तब काम वाली आएगी 9 बजे, हम मम्मी भेजी थी लाए तिलवा लाई था, वो मुढ़ी का ये चूड़ा का लाई था, रात में दूध नहीं पिए थे तो दूध भी था, बस किसी को बोलवो नहीं कि वो कटोरी लाए और हमें डाल दिए, ठंडे दूध था सरिया खा गए। जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए ना बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है, और तुमको तुम्हारे अंदर ये डेडिकेशन, तुम तो समस्या ही है कि तुम कहता जी रात का रोटी बसिया छोटा बसिया रोटी, तुमको अगर कुछ बवंडर करना है तो खा के आओ। नहीं बचता है 2 एक्स्ट्रा बनाइए, उससे भी नहीं होता हम तो बोलवे के तो चूड़ा ले आओ, चूड़ा को फुला लो, अब फुला के उसमें चीनी दाल मोट लेके खा के आओ, काहे नहीं समझ। एक दिन तुम मेरे इस बात पे पछताएगा जरूर, मन ही मन, किसी को बोलेगा नहीं, लेकिन तुमको इसलिए पछताना पड़ेगा का समझ, तुम एक दिन खाना खा के आओ नाश्ता करके, देखो तुम्हारा पढ़ने में कितना मजा आता है तुमको।
अभी तो हमको लगता है छोड़ेंगे कि लगता है हो छोड़ो अब होगा नौकरी तो होगा ना, जाने तो पहले खा के आते हैं। तुम अभी उस स्थिति में पहुंच चुका है तो मामला ये एकदम गड़बड़ है चला। तो एकदम नम्र निवेदन है कि चूड़ा खरीद लेना, इधर से जाने टाइम में चूड़ा खरीद के जाए। सारे बच्चे चूड़ा को फुला देना, ऐसा नहीं कि अब चूड़ा लेके फांकने लगना भोरे वो। अभी तो जो घर पे है वो पूरा मजा ले रहा है, मम्मी रोटी हुआ। तुम ही लोग है जो पैसों बेसी दे रहा है आ खानो नसीब नहीं हो रहा है। अरे मेस का खाना खाता है तब नहीं ये स्थिति। मेस का खाना जो खा रहा है एक आध दो महीना में एकदम उबोरा में जाएगा और कोई नहीं जाएगा रे, या तो जॉन्डिस नहीं तो टाइफाइड पकड़ने हैं तय है। इसलिए प्यारे बच्चों हम तो हमको लगता है हम पूरे जीवन काल में एक को दिन नहीं खाए समोसा पटना में और एक भी दिन होटल में खाना नहीं खाए जब तक स्टूडेंट लाइफ में थे। अब तो कभी कभार खा लेते हैं लेकिन एकदम नहीं खाए, अपने से बनाते थे, अपने से खाएंगे ऑब्वियस सी बात है। अरे सर कहते हैं सम अनु और विषम अनु, सम अनु में समान होगा कि अलग अलग होगा? अब विषम अनु में अलग अलग, वेरी गुड। विषम अनु ने है पढ़ो विषम अनु लाओ रे। तो घड़ी में 7 बजा है अभी तक, कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट अभी है ना, अभी 10-15 मिनट है। कहता है विषम अनु अथवा यौगिक के अनु, विषम अनु जब ये कह दिया तो यौगिक के ना होगा रे? ऐसे अनु जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से निर्मित होते हैं विषम अनु कहलाते हैं। सभी यौगिक के अनु विषम अनु होते हैं, बोलो रे। यौगिक के अनु जो होंगे वो विषम अनु होंगे कि सम अनु होंगे? विषम भी होंगे और सम भी, लेकिन समान अनु अगर होगा तो H2 हो गया, विषम अनु हो गया तो H2O। यहां पर ये लाइन थोड़ा सा अल्टर है, सभी यौगिकों के अनु विषम अनु होते हैं? नहीं, सभी यौगिक के अनु विषम अनु नहीं होते हैं। H2 भी तो यौगिक है, Cl2 भी तो यौगिक है। इसको सर इस लाइन को तुम यहां से काट दो, सभी यौगिक के अनु विषम अनु होते हैं, काट दो, गलत है। यौगिक के अनु सम अनु विषम अनु दोनों होते हैं, सभी यौगिकों के अनु विषम अनु होते हैं। हाँ, सभी यौगिकों के अनु विषम अनु होते हैं। जल हो गया H2O, बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है रे? कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन, सही है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे चला परमाणुकता। परमाणुकता एकदम सिंपल है, पूछता खूब है। देखो अगर तत्व का भी, तत्व की परमाणुकता कितनी? अरे चला हम बोले तत्व अकेले होगा, जाएगो होगा उतना परमाणुकता। तो तत्व अगर तो जब भी होगा अकेले होगा, तो अकेले होगा परमाणुकता एक। लेकिन अगर यौगिक की परमाणुकताएं अलग अलग होती है, जैसे परमाणुकता की बात करोगे सर तो ऑब्वियसली कुछ नहीं करना है, परमाणुओं की संख्या को गिन लेना है। नए ट्रेंड का खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे तुमको कहेगा H2O की परमाणुकता तो कहेंगे 2, 1, 3, गिन लेना है खाली। कह देगा C6H12, नहीं गिनाएगा तुरंत। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो पूछता है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना है। ये अक्रिय गैस है, इसकी परमाणुकता एक होती है। इसकी परमाणुकता कितनी होती है? जितने भी अक्रिय गैस हैं उसकी परमाणुकता एक। क्लियर? नहीं रे, सब लिखा ले, थोड़ा टेंशन नहीं लेना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसकी परमाणुकता एक होती है, क्योंकि अक्रिय गैस किसी के साथ संबंध जायज या नाजायज नहीं बना। अब लेकिन तुमको समस्या कहां आएंगी? तुमको समस्या आएगा जैसे तुमको दे देगा कैल्शियम Ca3PO4Hol2, इसको गिनने में समस्या आएगी। कुछ नहीं करना है, देखो 4, 1, 5, 2, 10, 3, 13, सही है ना?
कुछ नहीं करना, चला चार एक पांच दूनी दस तीन तेरह गिन लेगा। तो देखो परमाणुकता कुछ नहीं है, परमाणुओं की संख्या है। आईसी को मोनो एटॉमिक एक रहेगा तो मोनो एटॉमिक, दो रहेगा तो डाई एटॉमिक, बोले मैं नहीं करेंगे, तीन रहेगा तो ट्राई एटॉमिक, चार रहेगा चतुर परमाणु, पांच चार से अधिक या बहुत ज्यादा रहेगा तो बहु परमाणु। कहता है किसी तत्व अथवा यौगिक के एक अणु के निर्माण, यहां पर होना चाहिए मेनली यौगिक के, लेकिन तत्व भी चलेगा, कि अणु के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या उस तत्व या यौगिक की परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता के आधार पर अणुओं को चार भागों में बांटा गया है, एकल द्वि त्रि चतुर्थ और लास्टली बहु परमाणु। लेकिन ये कोई भाग नहीं है, खाली तुमको परमाणुओं की संख्या गिन लेनी है। आर्गन बताओ अकेले होता है, एक परमाणु होगा, हीलियम, आयरन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। हाइड्रोजन जब भी होगा चला H2 होगा, अगर H कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के ब्रैकेट में H2 लिख लो, हाइड्रोजन के ब्रैकेट में H2 लिख लो, क्लोरीन के ब्रैकेट में Cl2 लिख लो, क्लोरीन के ब्रैकेट में Cl2 लिख लो। जल हो गया चला H2O रे, H2 हो जाएगा तो कितना? अमोनिया NH4 ना, अच्छा NH3, हाँ NH3 तीन ना। आ सल्फर के ब्रैकेट में लिख लो एसिड, सल्फर के ब्रैकेट में लिखो एसिड। अब बता आंसर क्या होगा, आंसर मिल गया? बोलो न रे। अब हम लोग सर मानव शरीर में यौगिक का क्रम होता है, सबसे अधिक मानव शरीर में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, उससे कम प्रोटीन, फिर फैट, फिर कार्बोहाइड्रेट। अब सर मेनली हम लोग जल के गुण के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे सर? जल से सर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जल बोले तो H2O, जल बोले तो क्या H2O। अब इसका मामला क्या है सर, जल पहले तो यौगिक है, जल क्या है? यौगिक है, जो हाइड्रोजन, इसमें तत्वों की संख्या अगर पूछेगा तब चला तत्व दू एगो है, एगो हाइड्रोजन एगो ऑक्सीजन, एक में बच्चा झोल खाता कहेगा दू एक तीन, और चला परमाणु तीन है, तत्व तो दू एगो है, एगो हाइड्रोजन है एगो ऑक्सीजन है। अब परमाणु अगर कहेगा तो परमाणु दो एक तीन है, जिसमें दो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन के हैं, अणु तो अकेले हो गए। अगर एक H2O है इसका मतलब एक अणु है, दो H2O है मतलब दो, तीन H2O है, लेकिन यहां परमाणु कहेगा तो कितना? यहां परमाणु माने कौन गुना दू, हाँ छो, हाँ परमाणु है क्या अणु है? अणु है, ये जो पीछे जितना मल्टीप्लाई है ये अणु है, ये अणु है, ठीक है। आई जो फाइनल रिजल्ट हम जोड़ के लाए हैं वो क्या है? परमाणु, पक्का ना? थोड़ा थोड़ा भी बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है, पक्का। और अगर हम सर बात करें जल की, तो जल का जो भार का अनुपात होगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा एक गुना दो दो, बोलो न रे, अनुपात। ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, नहीं होगा एक अनुपात 8, बोलो न रे। परमाणुओं की संख्या दो एक तीन ना। अब चला देखो H2O का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फिजिक्स में भी हम तुमको पढ़ाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को हम 273 केल्विन, 80 डिग्री R, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट,
आर र्यूमर स्केल है, फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, हीट चैप्टर का पहला टॉपिक यही है। और ये तो हो गया क्वथनांक, और अगर हम गलनांक की बात करेंगे, 0°C, 273 केल्विन, 0°R और 32°F। लेकिन याद रट्टा मत मारने लग जाना, फिजिक्स में जाएंगे तो इसको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो जल तत्व है कि यौगिक है? पक्का यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। देखिएगा सर, H2O कहता जल का प्रकृति में सामान्य गुण, पहला यह यौगिक है, सही कि गलत? अणुओं का अनुपात कि परमाणुओं का अनुपात? वहां करो परमाणुओं का अनुपात, वहां कर दो चला, परमाणुओं का अनुपात 2:1 है रे। अरे परमाणु का अनुपात कितना है? 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का ना, बोलवे नहीं करेगा। अब परमाणु भार का अनुपात कितना? 2:16, बोला ना रे। 1:8। आप परमाणु की संख्या, तत्वों की संख्या, आ इसका क्वथनांक, लेकिन इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। मिश्रण क्या है बताइए तो? इसमें इसके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद रहता है? अरे शरबत पीते हैं तो चीनी का गुण नहीं रहता है? रहता है। अब बताइए मिश्रण की अगर हम बात करें, इसका सूत्र होता है क्या? हवा का सूत्र होता है? बारूद का सूत्र होता है? शरबत का? चीनी का होता है? पानी का होता है? शरबत का कोई सूत्र? आज जितना भी मिश्र धातु है सर, नाम सुने मिश्र धातु, और ये नामे है मिश्र धातु, तो मिश्रण होगा, जैसे कांसा पीतल सोल्डर, क्या है? मिश्र धातु कहते हैं। अब बताओ निश्चित अनुपात में कि किसी भी अनुपात में? निश्चित अनुपात में मिलाओगे तो यौगिक होगा, किसी भी अनुपात में मिलाओगे तो मिश्रण। कहता है मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता नहीं। अरे शरबत पीते हो चीनी का गुण नहीं रहता है? H2O पीते हो तो हाइड्रोजन जैसा लगता है, उसी से सोच ना लो। हवा का कोई सूत्र होता है क्या? बारूद का सूत्र नहीं होता? बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट होता है, KNO3O का सूत्र होता है, लेकिन सर बारूद का कोई सूत्र नहीं होता। कहेगा बारूद में मुख्य रूप से पाया जाता, तो कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, लेकिन बारूद का प्रॉपरली कोई सूत्र नहीं होता। फिर कहते हैं चीनी पानी का मिश्रण सूत्र होता है क्या? शरबत का? सभी मिश्र धातुएं क्या है? मिश्रण है। पीतल कांसा नाइक्रोम आदि क्या है? मिश्रण। सही है गलती है? एगो नोट करके देखिए, हम नीचे लिखे हुए हैं, एगो टेबल बना हुआ होगा, तत्व देखिए लिखा है टेबल में। अकेले सूत्र होता है तो क्या होगा? तत्व। यौगिक अगर कहें एक या एक से अधिक सूत्र होगा तो यौगिक, और कोई सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। शरबत या वायु क्या है? मिश्रण है। बोलन रे। कल सर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे और अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। H2O तत्व है कि यौगिक रे? हाइड्रोजन ये क्या है? ये क्या है? आई आ छोटका के बड़का, बड़का के एक मिनट एडवांस मैथ जिनका जिनका है, अभी 11 से 12 में आप लोग आज से एडवांस मैथ स्टार्ट होगा। जो लोग भी क्लास कर रहे हैं, ग्रुप डी वालों का एडवांस मैथ होगा, और बिहार पुलिस को तो एडवांस मैथ पढ़ना नहीं है, तो ग्रुप डी वाले 11 से 12 फिर लाइव आएंगे। ग्रुप डी का जो दोनों बैच है उसको 11 से 12 फिर लाइव कीजिएगा, 11 से 12 ठीक है। अभी कोई क्लास नहीं है ग्रुप डी वालों की या बिहार पुलिस की, उनका सर 4 से 5 में स्टैटिक जीके चलता है, वही क्लास अभी इन लोगों की होगी, जो आपका रेगुलर मंडे टू फ्राइडे 4 से 5 चलता है। तो 11 से 12 में आप एडवांस मैथ के लिए आएंगे आरके सिंह सर के साथ, 11 से 12 में ग्रुप डी वाले बच्चे। थैंक यू वेरी मच।